देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के कारण अब सभी फिल्मों को थिएटर की जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है। इस दिसंबर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड की दो फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार भी था। जी हाँ, आपको बता दें कि दिसंबर में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म कुली नंबर 1 और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की फिल्म इंदु की जवानी रिलीज होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड में चीची के नाम से जाने जाने वाले एक्टर गोविंदा और एक्ट्रेस करिश्मा की कॉमेडी फिल्म कुली नंबर 1 के रीमेक के बारे में। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस सारा अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म कुली नंबर 1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दर्शक डेविड धवन की ये फिल्म बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टारर 1995 की क्लासिक फैमिली कॉमेडी फिल्म का रीमेक है। आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है। ट्रेलर में वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग कमाल की दिखाई दे रही है, वहीं सारा अली खान की कॉमेडी और क्यूटनेस काफी अच्छी लग रही है। अगर बात की जाए ट्रेलर की, तो ट्रेलर देखने से पता चलता है कि डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिल्म का पिक्चराइजेशन काफी कमाल का है। वैसे अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में वरुण धवन अलग अलग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ परेश रावल ने फिल्म में सारा अली खान के पिता का रोल निभाया है। वहीं जॉनी लीवर की कॉमेडी भी हंसने पर आपको मजबूर जरूर कर देगी। वैसे कुली नंबर 1 मई को थिएटर्स पे रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी रिलीजिंग डेट टाल दी गई। अब हाल ही में मेकर्स ने फिल्म को 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अमेज़न प्राइम पर रिलीज करने का फैसला लिया है। इसके पास एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट बुर्ज खलीफा इसका है, और ये भी हो सकता है कि अमेरिका का व्हाइट हाउस भी खरीद ले। कुंवर राज प्रताप सिंह, आप कुंवर साहब हैं। अब बात आती है बॉलीवुड की दूसरी फिल्म की, जिसका नाम है इंदु की जवानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म इंदु की जवानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर आने के बाद से फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी के अपोजिट आदित्य सेन लीड रोल में हैं। आपको बता दें कि मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया था। बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर में एक भारतीय लड़की की पाकिस्तानी लड़के से मिलने की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म में कियारा भारतीय महिला की भूमिका निभा रही है, जबकि आदित्य पाकिस्तानी व्यक्ति के किरदार में है। वहीं मलिका दुआ कियारा के दोस्त की भूमिका में नजर आ रही हैं। इंदु डेटिंग के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ रही है। सफलता ना मिलने पर वो डेटिंग ऐप का सहारा लेती हैं। लड़के तो मिलते हैं, मगर उन्हें शादी से अधिक दूसरी चीजों में दिलचस्पी होती है, जो इंदु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक अच्छा लड़का मिलता है, मगर मुसीबतें तभी शुरू होती हैं जब वो पाकिस्तानी निकलता है। वहीं चर्चा का विषय बनी फिल्म इंदु की जवानी पर सेंसर बोर्ड की कैंची भी चलने वाली है। जी हाँ, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने मेकर्स को इसमें बदलाव करने के लिए कहा है। इसमें आतंकवादी शब्द को हरामजादे से रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा CBFC ने मेकर्स को दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े एक डायलॉग्स को बदलने के लिए भी कहा है। वैसे अगर एक्टिंग की बात की जाए, तो हाल ही में कियारा की अक्षय कुमार के साथ रिलीज हुई फिल्म लक्ष्मी दर्शकों को खासी पसंद नहीं आई, और फिल्म में कियारा के अभिनय को सराहना नहीं मिली। ऐसे में अब देखना होगा कि कियारा अपनी इस फिल्म के जरिए ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन से गोविंदा को रिप्लेस कर एक बार फिर वही जादू चलाना चाहते हैं, जो वो एक वक्त पहले गोविंदा यानी चीची और डेविड की जोड़ी मचाती थी। अब देखना होगा कि क्या वरुण कुली नंबर 1 के जरिए गोविंदा वाला जादू चला पाएंगे या नहीं। वहीं अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इंदु की जवानी क्या दर्शकों पर अपना जलवा बिखेर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।